नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में। दोस्तों, हम JEE नीट और CET के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के चैप्टर्स के, वो चैप्टर बाय चैप्टर हम ले रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है इलास्टिसिटी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, इफ एक्स इज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन देके रखा है एक्स प्रोड्यूस्ड इन द वायर ऑफ एंग्स मॉडुलस वाई देके रखा है, देन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। सिंपल है, इसका फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन देके रखा है, स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस दिया है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे हाफ इंटू ए अगर मैं पुट करता हूं तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वेयर हो जाएगा। तो हाफ इंटू एक्स माइनस वाई और स्ट्रेन देके रखा है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। इसको ठीक से लिखेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर वाई या हाफ वाई एक्स स्क्वायर कुछ भी आ सकता है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन वन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन वन का आंसर हो गया डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं। द एंग्स मॉडुलस ऑफ अ रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पहली लेंथ दे के रखी है 8 सेंटीमीटर मतलब 8 × 10⁻²⁻ मीटर, ओके। एंड डेंसिटी दे के रखी है d इज इक्वल टू 1.5 kg पर मीटर क्यूब, ओके ये ठीक है, इज 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एंग्स मॉडुलस है 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज सस्पेंडेड ऑन सीलिंग इन रूम, ओके। द इंक्रीज इन लेंथ इन मीटर, इंक्रीज इन लेंथ निकालना है इन मीटर ड्यू टू इट्स ओन वेट, ओके ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, हमें एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो चेंज इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। एल निकालना है तो एल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं एफ एल अपॉन ए इंटू ए वाई, इधर आ जाएगा। देखो इधर एरिया नहीं दिया है, इधर दिया है डेंसिटी, कैपिटल एल देके रखा है, फोर्स भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको और ठीक से लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखेंगे इसको एम जी, फोर्स मतलब क्या, उसको सीलिंग पे उसको अगर हमने सस्पेंड किया तो उसके वेट की वजह से ही वो नीचे आएगी, ठीक है। और दूसरा कुछ फोर्स है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसको लिखेंगे एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इंटू कैपिटल एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। डेंसिटी दे के रखा है तो इस फॉर्मूले में डेंसिटी एडजस्ट करना है कैसे। डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एरिया है नीचे, वॉल्यूम करना है तो नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो कैसा हो जाएगा, तो नीचे अगर एल से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटू एम्स मॉडुलस अपॉन एम जी इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वापस देखो ये मास अपॉन जो वॉल्यूम है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर जी और एम अपॉन वी की जगह पे मैं डी डालता हूँ अपॉन एम्स मॉडुलस। बस अभी ये नया फॉर्मूला मिल गया हमें डेंसिटी के फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर कैपिटल एल का स्क्वायर मतलब 64 × 10⁻²⁴ जी है 10 लेते हैं और डी जो है 1.5 अपॉन गया अपना एंस मॉडुलस है 5 × 10⁸। इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.6 × 10⁻¹১। तो ये बी वाला ऑप्शन जो लेंथ मिल गया वो ही मिलेगा इतना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है, ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया, क्वेश्चन
सेकंड का आंसर हो गया बी। ये मैथ। चलो दोस्तों क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैपिटल एल दे के रखा है 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे के रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, 1 × 10⁻²⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कन्वर्शन करते आना चाहिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर में कर दिया उसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। इज इंक्रीज फ्रॉम 0°C to 100°C, इंक्रीज किया, चेंज किया। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा या डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 में से 0 गया 100 आएगा। ठीक है, इफ रॉड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इन लेंथ, ओके, द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, ओके, और कुछ देके रखा है? हाँ, तो देके रखा है, उससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अल्फा देके रखा है और रेंज मॉडल सिंपल है। टेम्परेचर का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये वाला फॉर्मूला है फोर्स का। ठीक है, वाई ए इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। वाई देके रखा है कितना है 10⁻¹, एरिया देके रखा है 10⁻⁴, अल्फा देके रखा है 10⁻⁵, और ये देके रखा है 100। इसको अगर पुट करेंगे तो वैल्यू 10⁻⁴ में आएगा। देखो 4, 5, 9 चले गए, 11 में से 9 चले गए, 2 बचे, ये 2 ऐड हो गए 10⁴ न्यूटन। तो 10⁴ न्यूटन देखो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन थर्ड का भी आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन थर्ड का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, उम्मीद करता हूं। चलो क्वेश्चन फोर लेते। अ वायर ऑफ एलोंगेशन, ओ सॉरी, अ वायर एलोंगेट्स बाय LMM, कितने से इंक्रीज होती है इसकी लेंथ LMM When load W is hanged from it, W इतना लोड हैंग किया है। ठीक है, इफ द वायर गोज ओवर पुली एंड टू वेट्स W each आर हैंगिंग एट टू एंड्स, द एलोंगेशन ऑफ वायर विल बी, ओके। देखो दो केसेस है इसमें, पहले क्या है, मान लो रिजिड सपोर्ट है, ये वायर है, इसको वेट कितना लगाया है W लगाया है, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है L है, पहली केस में। अभी दूसरा केस क्या है, इफ द सेम वायर गोज ओवर पुली एंड टू वेट्स W, ओके वायर वही है, लेकिन अभी क्या है, अभी एक पुली है, उस पुली के ऊपर से ये वायर जाएगी और वायर के दोनों तरफ सेम वेट लगाया है W W, तो अभी वायर का लेंथ कितने से बढ़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो वायर सेम है मतलब एम्स मॉडुलस सेम है, यही वायर है मतलब उसका कैपिटल L भी सेम है। देखो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एम्स मॉडुलस हो गया इनटू एरिया हो गया। ठीक है, इसको चेक करते हैं, एम्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल L, ये ऊपर है नीचे FLAY। ठीक है, अभी ठीक से देखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा वायर का, ठीक है वायर सेम है, ओरिजिनल लेंथ भी सेम रहेगी, वायर का मटेरियल सेम है, तो ये भी सेम। तो लेंथ किस पे डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। अगर फोर्स चेंज होगा तो इंक्रीज इन लेंथ चेंज होगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो लेंथ इंक्रीज में बढ़ेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर फोर्स कम रहा तो इंक्रीज इन लेंथ भी कम मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों केसेस में फोर्स कैलकुलेट करना है। पहले में फोर्स देखो एकदम सिंपल है, W डाउनवर्ड और दूसरा कुछ फोर्स ही नहीं। अभी सेम वायर इस पे से जा रही है तो इसमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें भी टेंशन अपवर्ड है, इसमें भी टेंशन अपवर्ड है। ठीक है, दोनों वेट सेम है तो कुछ वायर का मूवमेंट नहीं होगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसी है वायर वैसी ही रहेगी, क्योंकि ये भी ज्यादा नहीं है ये भी ज्यादा नहीं, तो इस केस में टेंशन कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, इसमें टेंशन कितना था, देखो ये mg मतलब वेट नीचे और ऊपर टेंशन, इधर mg मतलब नीचे, इधर mg मतलब नीचे। ठीक है, पुली के कारण ये है इसका जो सिस्टम है, इसमें जो टेंशन बनेगा वो टेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है कि जो टेंशन है वो रहेगा, या फिर उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं,
2 into W1 into W2 upon W1 plus W2. ऐसा नॉर्मल फॉर्मूला है. इधर W1 W2 दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 2W स्क्वायर 2 into W का स्क्वायर अपॉन 2W. तो आंसर W मतलब वेट. तो इधर भी देखो ओरिजिनल फोर्स कितना था, टेंशन इज इक्वल टू वेट. इधर भी फोर्स हमें क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू वेट. दोनों केसेस में जो फोर्स है ना वो सेम हो रहा है, दोनों केसेस में फोर्स सेम है तो दोनों केसेस में इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, सेम. तो पहले में इंक्रीज इन लेंथ कितना mm है, ln है, तो दूसरे केस में भी इंक्रीज इन लेंथ कितना मिलेगा हमें, ln m ही मिलेगा. तो इसका ऑप्शन हमें ढूंढना होगा, इसका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन. ठीक है, इसका टेंशन हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह करके करना पड़ेगा. एक वेट ए डब्ल्यू वन मान लिया, ए डब्ल्यू टू मान लिया, ठीक है, वायर सेम है, पुली है, इसका टेंशन निकालना है वायर का आपको, तो क्या करना, टू इंटू ए वेट इंटू ए वेट अपॉन ए वेट प्लस ए वेट. ठीक है, इससे आप टेंशन निकाल सकते हो. तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी हो गया. क्वेश्चन फोर का आंसर है डी. ठीक है, चलो क्वेश्चन फिफ्थ लेते हैं. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यंग्स मॉडुलस दे के रखा है हमें, ठीक है, एरिया दे के रखा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, एक करते आना चाहिए, इज इक्वल टू 10^-5 मीटर स्क्वायर. ओके, द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ विल बी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं एल, फाइनल लेंथ मान लेते हैं 2L. तो इंक्रीज इन लेंथ मतलब क्या, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू L. तो L इज इक्वल टू क्या मिला, L मिला, ये बस हमें समझना चाहिए. लेंथ डबल करना है, एक मीटर का दो मीटर करना है, मतलब स्मॉल L कितना मिलेगा, कैपिटल L जितना मिलेगा. ठीक है, कैपिटल L 1 मीटर, फाइनल लेंथ 2 मीटर, तो चेंज इन लेंथ क्या 1 मीटर, मतलब जितना कैपिटल L है उतना ही हमें क्या मिलेगा, स्मॉल L. बस इतना समझ में आना चाहिए, फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल. इस केस में देखो तो ये दोनों सेम है तो इसका कुछ इतना है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू वाई इंटू ए. वाई का वैल्यू क्या रखा है, 2 × 10^-11 और एरिया देके रखा है 10^-5, तो 2 × 10^-6 न्यूटन आंसर हमें देखना है क्या, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन डी है, क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन जो है वो डी है. ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अभी लेंगे हम क्वेश्चन सिक्स. ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन सिक्स लेते हैं. द टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल सेम मतलब यंग्स मॉडुलस सेम. ठीक है, देयर लेंथ्स आर इन रेशियो, ठीक है, एल ए अपॉन एल बी दे के रखा है इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो. देखो हमें डायमीटर से लेना देना नहीं होता है, हमें रेडियस से लेना होता है. ठीक है, जो डायमीटर्स का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है. तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू और रेशियो दे के रखा है 2:1 मतलब 2/1. ओके, वेव स्ट्रेच्ड बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी, ठीक है, फोर्स एफ ए एंड एफ बी दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ मतलब एल ए इज इक्वल टू एल बी. इंक्रीज इन लेंथ मतलब स्मॉल एल, वो दोनों सेम है. द रेशियो ऑफ एफ ए एच टू एफ बी हमें निकालना है, एफ ए एच टू एफ बी हमें निकालना है. तो देखो वापस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल. एफ ए अपॉन एफ बी निकालना है तो इसमें से फोर्स आएगा y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल l. ठीक है, अभी देखना मटेरियल सेम है मतलब y दोनों का सेम है. ठीक है, एरिया चेंज होगा क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, स्मॉल l दोनों में सेम है और कैपिटल l भी दोनों में अलग है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम है तो इसमें से क्या बना सकते हैं हम, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ और उसको रेडियस में लिखेंगे. देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एरिया का क्या होता है, आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ.
तो देखो एफ ए अपॉन एफ बी कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर ए अपॉन आर बी ब्रैकेट स्क्वायर इन, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ ए अपॉन एफ बी है तो इधर लिखेंगे एल बी अपॉन एफ ए, ठीक है आर ए अपॉन आर बी है टू बाय वन ब्रैकेट का स्क्वायर एल बी अपॉन एल ए, एल बी अपॉन एल ए, एल ए अपॉन एल बी वन बाय टू है तो एल बी अपॉन एल ए क्या आएगा टू बाय वन, तो फोर इंटू टू बाय वन इज इक्वल टू एट बाय वन इज इक्वल टू एट इज टू वन, तो क्वेश्चन सिक्स का आंसर एट इज टू वन हमें देखना है ऑप्शन डी, तो क्वेश्चन सिक्स का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया। चलो दोस्तों क्वेश्चन सेवन लेते हैं, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर, ठीक है एरिया देके रखा है 4 mm स्क्वायर और ऑप्शन देखो mm में दिए है तो कुछ करने का जरूरत है नहीं, स्ट्रेच्ड बाय 0.1 mm, स्ट्रेच बाय 0.1 mm मतलब इंक्रीज इन लेंथ देके रखा है बाय सर्टन मेंट, ओके हाउ फार विल द सिमिलर वायर ऑफ 8 mm स्क्वायर मतलब एरिया डबल कर दिया है 8 mm स्क्वायर, L2 निकालना है, चलो L2 निकालना है, L के लिए फॉर्मूला है हमारे पास या फिर वही यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल L, देयरफॉर स्मॉल L इज इक्वल टू फोर्स इंटू कैपिटल L एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस, देखो देखो वायर तो वही रहेगा तो ओरिजिनल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस सब सॉरी वायर जो है एक मिनट, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेट बाय सिमिलर वायर, ओके सिमिलर वायर है तो यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, ठीक है सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस सेम है और उसका लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है लेकिन क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो भी डबल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी जो है डबल है और सेम फोर्स मतलब फोर्स भी सेम है तो हमें नया चेंज इन लेंथ निकालना है, फोर्स सेम है और इन लेंथ सेम है ए भी सेम है, ठीक है तो इस पे से हमें क्या समझ में आ रहा है एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो एल टू अपॉन एल वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या लिखेंगे ए टू अपॉन ए वन नहीं लिख सॉरी उल्टा होगा ए वन अपॉन ए, ठीक है उल्टा हो जाता है इनवर्स के लिए, तो एल टू निकालना है L1 है 0.1 mm या फिर 0.1 लिखते हैं सिर्फ, A1 कितना है A1 है 4 mm स्क्वायर, A2 है 8 mm स्क्वायर, तो L2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा 0.5 कैसे 4/8 कितना होता है 0.5 A इंटू इधर 0.1 हो जाएगा तो 0.05 आएगा, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना मिलेगा हमें 0.05 mm मिलेगा, ठीक है ऑप्शन ए में उसका आंसर है, तो क्वेश्चन सेवन का, क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए है, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन एट लेते हैं, इफ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन स्टील वायर इज 3 angstrom/min, ओके ये थोड़ा नया है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को आर जीरो से डिनोट करते हैं, 3 angstrom/min इसको मीटर में कन्वर्ट करना आता है 3 × 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है एंड यंग्स मॉडुलस देके रखा है, यंग्स मॉडुलस है 20 × 10⁻¹⁰, इसको अलग तरह से लिखता हूं, ठीक है 2 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स कांस्टेंट, अभी फोर्स कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो, फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू आर जीरो, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻¹⁰ इंटू 3 × 10⁻¹⁰ ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा 2 × 3 × 6 × 10⁻¹⁰ 60 हो जाएगा 60 newton per meter, न्यूटन पर मीटर ये होता है यूनिट होता है, लेकिन ऑप्शन में देखो न्यूटन पर मीटर नहीं दिया है न्यूटन पर angstrom/min दिया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको लिखता हूँ 60 अपॉन जो अपॉन का मीटर है उसको 10⁻¹⁰ angstrom/min में लिखता हूँ, ठीक है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन तो ऊपर है ठीक है, जो नीचे का मीटर है मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10⁻¹⁰ angstrom/min, ठीक है तो ये ऊपर जाएगा तो 60 × 10⁻¹⁰
न्यूटन पर एंस्ट्रॉम यूनिट बन जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ न्यूटन अपॉन एंस्ट्रॉम। तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं दिया है तो इस मीटर को, इस देखो ऊपर का न्यूटन तो एज इट इज है, तो इस मीटर को एंस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। या फिर जो सीधा गया या फिर हमें क्या करना है उल्टा करना है। ठीक है, अभी लेंगे क्वेश्चन 9। नाइन देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड ऑन स्ट्रेचिंग अदर एंड ऑफ वायर विद फोर्स एफ द इंक्रीज इन लेंथ इज एल। देखो क्या है, वायर का लेंथ है कैपिटल एल, रेडियस है आर, फोर्स है एफ, तो इंक्रीज इन लेंथ है एल। ठीक है, इतना दिया है। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, मटेरियल सेम मतलब यंग्स मॉडुलस सेम, बट ऑफ लेंथ 2L, दूसरी वायर है लेंथ है उसका 2L, रेडियस है उसका 2R, स्ट्रेच्ड बाय फोर्स 2F, देन हमें लेंथ इंक्रीज लेंथ कैलकुलेट करना है। करेक्ट है, ओके चले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इंक्रीज लेंथ का फॉर्मूला मालूम है, या फिर वही यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन इंक्रीज इन लेंथ या फिर चेंज इन लेंथ। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फोर्स ए वाई। ठीक है, यही बताया है, अगर ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है, रेडियस आर है, मतलब एरिया पे फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, फोर्स एफ है और यंग्स मॉडुलस तो रहता है वायर का वायर है समझो, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है एल। तो हमें दूसरा एल निकालना है, दूसरा एल निकालना है जब लेंथ एल ना हो कि कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ, फोर्स कितना लगा रहे हैं 2F लगा रहे हैं, एरिया अभी हमको कैलकुलेट करना है और यंग्स मॉडुलस कितना होगा y होगा, मटेरियल अगर सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम। तो देखो रेडियस का चक्कर है, रेडियस का चक्कर हमें किस में एडजस्ट करना है, एरिया में। तो देखो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, एरिया में क्या आता है आर स्क्वायर आता है, वैसे तो पाई आर स्क्वायर आता है लेकिन उसका कुछ काम ही है नहीं। इसमें देखो अभी पाई तो एज इट इज रहेगा, रेडियस डबल, आर स्क्वायर की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 2R². ठीक है, ये हो जाएगा नया इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो एल टू देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × L × F / ये पाई एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर 4 में बाहर लिखता हूं, × R² ×, इसको ठीक से लिखता हूं, 4 कट हो जाएगा, एल टू इज इक्वल टू एल एफ पाई आर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस। देखो पहले जो लेंथ था स्मॉल एल वो क्या था, एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई, पाई आर स्क्वायर वाई, मतलब इसको भी सॉल्व करने के बाद में जो एल के लिए फॉर्मूला मिल रहा था वही हमें एल टू के लिए भी मिल रहा है। तो पहले जो पैरामीटर्स थे तब इंक्रीजिंग लेंथ था एल, बाद में पैरामीटर चेंज करने के बाद भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ हमें किसके जैसा मिल रहा है, इसके जैसा ही। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना मिला हमें, एल। तो एल वाला ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा, एल वाला ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो 10th क्वेश्चन देखो, इन स्टील द यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस देखे रहता है 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन देके रखा है 0.15, स्ट्रेस निकालना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻¹ और स्ट्रेन है 0.15। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 × 30, लेकिन वो 0.3 होगा, 10⁻¹ तो 3 × 10⁻¹⁰। ठीक है, तो स्ट्रेस मिलेगा हमें 3 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ढूंढेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चंस आज के समय में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार कुछ कुछ क्वेश्चन जो है तो 14 बार भी पूछे गए हैं। सारे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं अलग अलग चैप्टर से इंपॉर्टेंट वीडियो अभी डालूंगा यूट्यूब पे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे की वीडियो में भी हम देखेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर के ही एग्जांपल्स, हर चैप्टर के हम कम से कम 30 एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपका चैप्टर कवर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।